हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि ऑटोकैड क्या है, उसका इंट्रोडक्शन, उसके इनिशियल सेटिंग्स और इंटरफेस के बारे में बात करी थी हमने, तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइन कमांड के बारे में। तो ऑटोकैड स्टार्ट करते हैं। आज हमने ये मेरे कुछ एग्जिस्टिंग ड्राइंग्स हैं, तो बाद में हम डिस्कस करेंगे, हम नए ड्राइंग के साथ जाएंगे अभी। ठीक है, ये जो है ये ड्रॉ टूल बार है, सब यहाँ से सब लाइन्स आपको दिख रही है। ये है लाइन कमांड, आप यहाँ से भी इसको रन कर सकते हैं। फिर आप जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि शॉर्टकट की यूज करें तो आप एल और एंटर प्रेस कर सकते हैं तो भी लाइन कमांड एक्टिवेट हो जाएगा, और अगर आपका कोई भी कमांड से बाहर निकला है तो आप एस्केप दबा सकते हैं। ठीक है, तो लाइन कमांड में जनरली हम सिंपल ड्राइंग मतलब सिंपल से ही स्टार्ट करेंगे, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल कुछ भी, और जनरली हमारे जो प्लॉट होते हैं वो सब रेक्टेंगल और स्क्वायर से इसमें होते हैं, तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो एल एंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। अभी ऑटोकैड आपको पूछेगा कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, मैं जूम करके दिखाता हूँ। तो ऑटोकैड आपको लाइन कहाँ से ड्रॉ करना है उसके लिए आपको पूछ रहा है। तो हम अभी तो सिर्फ लाइन कमांड सीख रहे हैं, तो कहीं से भी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सपोज यहाँ एक पॉइंट कर दिया, अभी देखो आपको दिखाई रहा होगा यहाँ मेजरमेंट ऑटोमेटिक दिख रहा है, जो ब्लू कलर में दिख रहा है। अभी हम यहाँ कुछ भी नंबर डालेंगे तो उसके अकॉर्डिंग लाइन ड्रॉ हो जाएगी, जैसे हमें दिखा भी रहा है। तो अभी मैं 10 और एंटर प्रेस करूँगा तो ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई। कमांड भी एक्टिवेट है, कमांड से बाहर निकले के लिए आप एस्केप दबा सकते हो, तो एस्केप कर लो। अभी हम फिर से अगर इस कमांड को रीएक्टिवेट करना है तो आप स्पेस दबा सकते हैं, स्पेस दबा कर रीएक्टिवेट हो गया हमारा जो लाइन कमांड है। अभी सपोज हमें एक 50 फीट बाय 50 फीट का एक स्क्वायर ड्रॉ करना है, तो सिंपली इसे भी इसे डिलीट कर दिया। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट हमने स्पेसिफाई किया, देखो अभी हम जैसे कर्सर घुमा रहे हैं ऐसे लाइन साथ में चल रहा है, तो इसके लिए हमें अगर ये राइट एंगल पे मतलब स्ट्रेट लॉक करना है तो यहाँ ऑर्थो आता है, ऑर्थो को हमें ऑफ करना है, या फिर आप F8 प्रेस करके भी ऑर्थो ऑफ कर सकते हैं। देखो अभी कर्सर कहीं भी घुमाऊंगा तो लाइन स्ट्रेट ही ड्रॉ होगी। जैसे मैंने बात की कि हम 50x50 का एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, यहाँ डालते हैं 50 और अभी मैं जिस साइड कर्सर घुमाऊंगा उसी साइड लाइन ड्रॉ होगी। ठीक है, तो मैं ऊपर की तरफ फिर से 50 प्रेस करके एंटर करूंगा, 50 का हो गया।
फिर से लाइन कमांड एक्टिवेट करेंगे, यहाँ से 50 एंटर, और फिर यहाँ पे क्लोज एस्केप। ये हमारा स्क्वायर बन गया 50x50 का। फिर इसे देख सकते हैं, वेडिंग स्टाइल में एक्यूरेट चेक करूँगा, तब आपको सिखाऊंगा कि ये डायमेंशन की टैक्स वगैरह कैसे चेंज करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब एक एंगल से ड्रॉ करेंगे, कैसे लाइन कमांड का यूज करते हैं। एंटर, एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये दूसरी लाइन हमें अगर कुछ एंगल से ड्रॉ करना है, सपोज 30 डिग्री या 60 डिग्री पे ड्रॉ करना है, तो अभी ऑर्थो ऑफ इसलिए अलाउ नहीं करेगा, स्ट्रेट या फिर राइट एंगल पे ही ड्रॉ करने के लिए बोलेगा, अलाउ नहीं करेगा। तो हम F8 प्रेस करके इसको अभी एनेबल करते हैं। फिर टैब प्रेस करना है आपको, टैब और 30 डिग्री से 30 डालना है। देखो ये 30 डिग्री पे हमारा लाइन ड्रॉ हो गया। अभी इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें 90 डिग्री पे अगर 50 फीट की लाइन ड्रॉ करनी है, तो पहले हम मेजरमेंट डाल देंगे 50, फिर उसका एंगल 90 डिग्री। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि लाइन कमांड का यूज कैसे होता है। सो थैंक फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, थैंक यू।